नमस्कार लेखापड़ा तुम्हारे सकल के स्वागत। तो आज के हमारे विषय हलो सप्तम श्रेणीर पठन सेतु जो बोईटी रही है तार परिवेश और भूगोल की द्वितीय अध्यायटी जो रही है तार आमरा कि नमूना प्रश्न उत्तरगुलो की देखब। ठीक है, तो देखो एक नम्बर बला आछे विकल्पगुली थेके कि सठिक उत्तरटी बेछे निये लेखो। एकेर एक कोनो एकटी स्थान अक्ष अंश 12 डिग्री उत्तर हले स्थानटी जे गोलार्धे अवस्थित ता हलो कि क नम्बर अपशन पूर्व, ख नम्बर दक्षिण, ग नम्बर उत्तर, घ नम्बर पश्चिम। ये चारटे जो अपशन है चारटे मध्य सठिक कोनटा सठिक होच्छे कि ग नम्बरटा कि उत्तर होबे। ठीक है, उत्तर गोलार्धे। एरपर देखो 1-2 निम्नरेखा बादे भूगोलके अंकित 1 डिग्री अंतर मोट अक्षरेखार संख्या कयटी। क नम्बर अपशन 179टी, ख नम्बर 180टी ना 178टी, ग नम्बर 180टी ना कि घ नम्बर 181टी। ये चारटे जो है चारटे मध्य क्योंकि सठिक कि ख नम्बर 100 कत कि 78टी। एरपर देखो 2-एर कि बला आछे जे नीचेर प्रश्नगुलो उत्तर दाओ। 2-1 उपयुक्त शब्द बसिए शून्यस्थान पूरण करो। 2-1-1 देखो मूल मध्यरेखा बादे 1 डिग्री अंतर भूगोलक अंकित दार्घिम्य रेखार संख्या डैशटी तर कत होबे 359टी। 2-1-2 भारत पृथिवीर डैश गोलार्धे अवस्थित ताहले कि होबे कि उत्तर गोलार्धे अवस्थित। एबार 2-2 बोलछे वाक्यटी सत्य हले ठीक एवं असत्य हले कि भूल लेखो। तो 2-1 दार्घिम्य मूल मध्यरेखार तलेर सापेक्ष निर्णय करा हय एई वाक्यटी ठीक नाकि भूल वाक्यटी कि भूल रयेछे सठिक होबे कि छेद बिंदु सापेक्ष किन्तु। एबार देखो 2-2 निरक्षरेखार मान 10 डिग्री उत्तर वाक्यटी ठीक नाकि भूल आछे वाक्यटी किन्तु भूल रयेछे सठिक उत्तर होबे कि 0 डिग्री। एरपर देखो क स्तम्भेर संगे ख स्तम्भ मेलाओ। क स्तम्भ देखो 2-3-1 0 डिग्री संगे ख स्तम्भे कि मूल मध्यरेखा एवं क स्तम्भे देखो 2-3-2 25 डिग्री दक्षिण होबे कि अक्षांश ख स्तम्भे और क स्तम्भे 2-3-3 360 डिग्री होबे कि ख स्तम्भे कि दार्घिम्य रेखार संख्या। तो ये हलो कि 2-3 क स्तम्भेर संगे ख स्तम्भेर उत्तर। एरपर देखो 2-4 एकटी बा दुटी शब्द उत्तर दाओ। पृथ्वी क्षुद्र प्रतिरूप के एक कथाय कि बला हय ताहले आमरा उत्तरटा कि लिखबो जे पृथ्वी क्षुद्र प्रतिरूप के एक कथाय बला हय कि ग्लोब। तो आमि एखाने संक्षेपे लिखेछि ग्लोब तो किन्तु पूर्ण वाक्ये लिखबो जे पृथ्वी क्षुद्र प्रतिरूप के एक कथाय बला हय कि ग्लोब। एबार देखो 2-4-2 भूगोलके अवस्थित कोनो स्थान बा एलाकाके चिह्नित करते एक कथाय कोन शब्दटी व्यवहृत हय ताहले उत्तरटा कि लिखबो जे भूगोलके अवस्थित कोनो स्थान बा एलाकाके चिह्नित करते एक कथाय कि अवस्थान शब्दटी कि व्यवहृत हय। ठीक है, एरपर देखो 3 नम्बर बोलছে নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও। 3-1 অক্ষাংশ বলতে কি বুঝো এবং কি মূল মধ্যরেখার গুরুত্ব লেখো। 3 नम्बर কি অক্ষরেখা ও দার্ঘিম্যের মধ্যে পার্থক্য। এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা উত্তর লিখব এটি কি নিরক্ষরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে কি অবস্থিত কোনো স্থান নিরক্ষরেখার তল থেকে কি যে কাল কি কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে তাকে কি অক্ষাংশ বলে। এটা হচ্ছে 3-1। এবার 3-2 मूल मध्यरेखार गुरुत्व उल्लेख करो तो उत्तर कि लिखब कि जो मूल मध्यरेखा कि पूर्व और पश्चिमे कि पृथ्वी के दुटी अंशे विभक्त करेছে। मूल मध्यरेखार पूर्व दिकेर अंशटी हलो पूर्व गोलार्ध और पश्चिम दिके कि अंशटी हलो कि पश्चिम गोलार्ध। निरक्षरेखार और मूल मध्यरेखार साहाज्ये आमरा कि ताहले पृथ्वी कोनो एकटी स्थान कोन गोलार्धे अवस्थित ता चिह्नित करते पारी। এটা হলো কি মূল মধ্যরেখার কি গুরুত্ব। এরপর দেখো 3-3 নম্বর প্রশ্নটি অক্ষরেখা ও দার্ঘিম্য রেখার মধ্যে পার্থক্য লেখো। তোমরা কি লিখবো যে অক্ষরেখা 1 নম্বর লিখবো যে অক্ষরেখাগুলি পৃথিবীকে কি পূর্ব পশ্চিমে কি বেষ্টন করে থাকে আর দার্ঘিম্য রেখাগুলি কি পৃথিবীকে কি উত্তর দক্ষিণে কি বেষ্টন করে থাকে। 2 নম্বর অক্ষরেখার কি অপর নাম হলো কি সমক্ষরেখা আর দার্ঘিম্য রেখার অপর নাম হলো কি देशांतर रेखा। 3 नम्बर अक्षरेखागुलो की प्रत्येके कि पूर्ण वृत्त और दार्घिम्य रेखागुलो की प्रत्येके कि अर्धवृत्त। एबार 4 नम्बर अक्षरेखार मान 0 डिग्री थेके 90 डिग्री पर्यन्त हय और दार्घिम्य रेखार मान कि 0 डिग्री थेके कि 180 डिग्री पर्यन्त हय। तो एटाई छिलो आजके आमादेर कि पठन सेतुर 7ম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় অধ্যায়ের নমুনা প্রশ্ন উত্তর। तो आशा करी तुम्हारे भिडियोटी भालो लेगेछे। तो अवश्य लाइक शेयर और कि नतून जरा आछो तारा कि सबस्क्राइब करबे जाते कि तोमरा एइरकम नतून नतून भिडियो पेते पारो। धन्यवाद।